दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हवाई जहाज नैनीताल के ऊपर से क्यों नहीं उड़ पाते हैं, और पन्नगर जैसा हवाई अड्डा आखिर नैनीताल में क्यों नहीं बनाया गया। दोस्तों, यह वीडियो देखने में जितनी इंटरेस्टिंग है उतनी ही रोचक भी है, क्योंकि हर कोई यही पूछता है कि आखिर गवर्नमेंट ने फ्लाइट की सुविधा नैनीताल तक ही क्यों नहीं दी। टूरिस्ट लोग अक्सर यही कामना करते हैं कि काश नैनीताल में भी एयरपोर्ट होता तो हम डायरेक्ट दिल्ली से नैनीताल वाया फ्लाइट आते और मात्र 1 से 2 घंटे का सफ़र करके हम डायरेक्ट नैनीताल पहुंच पाते। दोस्तों, ये प्रश्न जानने से पहले हम नैनीताल की भौगोलिक स्थितियों का वर्णन करेंगे कि आखिर नैनीताल तक कोई एरोप्लेन आखिर क्यों नहीं उड़ पाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नैनीताल मीना यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। नैनीताल की ऊंचाई समुद्र तल से 2084 मीटर है, जहां इसकी ऊंचाई चाइना पीक की चोटी और भी ऊंची कर देती है। तब नैनीताल की संपूर्ण ऊंचाई लगभग 3000 मीटर तक पहुंच जाती है। यदि हम कॉमर्शियल या डोमेस्टिक फ्लाइट की बात करें तो ऑन एन एवरेज एरोप्लेन 2500 मीटर से 3000 मीटर तक की ऊंचाई तक ही उड़ पाते हैं। यदि कोई एरोप्लेन हल्द्वानी से सीधे नैनीताल की तरफ उड़ता है तो पॉसिबल है कि आसपास के पहाड़ों से ही वो टकरा जाएगा, और यह टकराव इतना खतरनाक होगा कि एरोप्लेन कुछ ही घंटों में ध्वस्त हो जाएगा। नैनीताल के आसमान में यदि कोई प्लेन उड़ता भी है तो उसे लैंडिंग करने के लिए 7 से 8 किलोमीटर तक की सीधी लाइन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि दोस्तों किसी भी प्लेन को लैंडिंग करने या टेक ऑफ करने के लिए 7 से 8 किलोमीटर का रनवे चाहिए होता है, जो नैनीताल में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से आज तक नैनीताल में एयरपोर्ट नहीं बन पाया। यदि हम तीसरी बात नैनीताल में एरोप्लेन के न उड़ पाने की करें तो इसका रीजन नैनीताल का घना वातावरण भी है। नैनीताल में एरोप्लेन उड़ाने के लिए पायलट की प्रथम चुनौती नैनीताल में लगने वाला वो घना कोहरा होगा जो नैनीताल के ऊंचे पहाड़ों को ढक देता है, और यही कोहरा नैनीताल के आगे पड़ने वाले ऊंचे पहाड़ों को भी ढक देता है, जिस वजह से एरोप्लेन को लैंडिंग कर पाना या अचानक से एक्सलरेट कर पाना पायलट के लिए लगभग असंभव हो जाएगा। दोस्तों, एरोप्लेन का हिल स्टेशन तक न उड़ पाने में प्रमुख रीजन प्लेन या समतल जगह का न हो पाना, साथ ही में एयरलाइन कंपनी को खोलने के लिए पर्याप्त जगह का न हो पाना, और पहाड़ों में सीधी सड़क करने के लिए करोड़ों और अरबों रुपयों का फंड भी चाहिए होता है, साथ ही में टूरिस्ट बजट का भी लो होना, इन्हीं मूलभूत कारणों से कोई भी एयरलाइन कंपनी पहाड़ों में स्थापित नहीं होना चाहेगी। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर नैनीताल में एयरलाइन की सुविधा होती तो हमें एरोप्लेन से संपूर्ण नैनीताल का एरियल व्यू देखने को मिलता, और साथ ही में आम आकार की नैनी झील भी देखने को मिलती, और नैनीताल के सुंदर दृश्य देखने के साथ साथ हमें अन्य झीलें भी देखने को मिलती, तो सोचो वह अनुभव कितना अच्छा होता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा। मैं हूँ आपका दोस्त संदीप, फिर से मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।